लाइफस्टाइल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस, कुकिंग ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए सुनेहास ब्लॉग को और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। विजयादशमी माई फैमिली, तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ मैंने दिखाया था कि मैं अष्टमी में अंजलि देने गई थी, वहीं पे अभी दुर्गा जी की विदाई हो रही है। यहाँ पे दशमी को भी विदाई होती है मेरे मोहल्ले में, तो सुनसान हो जाएगा आज। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ बंगाली सिंदूर खेला खेलने एंड विदाई देने के लिए दुर्गा माँ को। फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर तो मैं दादी के यहाँ चली गई थी, बहुत मिस किया था मैं। तो चलिए मैंने चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग फैमिली, ये वीडियो पता नहीं आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगी आफ्टरनून या इवनिंग में, आई रियली डोंट नो। पर मेरे लिए, मैं जिस टाइम में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं उस अकॉर्डिंग बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं अष्टमी की अंजलि देने गई थी, मैं वहीं पर आई हूँ। दुर्गा माँ का यहाँ पर विसर्जन होने वाला है, उनकी विदाई होने वाली है, वो ससुराल जाने वाली है। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ जो है उनको जो है वो टीका लगा रही हैं, लड्डू खिला रही हैं, पानी पिला रही हैं, अगरबत्ती दिखा रही हैं। और इसके बाद जो है वो बंगाली में एक रस्म होता है सिंदूर लगाने का, जो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत मन, मतलब मैं शादी के पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे मन करता था कि ये वाला रस्म मैं करूँ, पर पॉसिबल तो था नहीं। तो फाइनली मुझे इस बार ये वाला रस्म जो है वो मुझे करने को मिला और मुझे बहुत मज़ा आया, एक्सट्रीमली मैंने इन्जॉय किया। दुर्गा माँ की विदाई में मैं हर साल तो आती थी, पर मैं ये सब रस्म नहीं करती थी। और सर ये फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें पूजा की थाली में पान का पत्ता, सुपारी, प्रसादी में लड्डू, सिंदूर, ये सब था। अपना मन है आप और क्या क्या लाना चाहती हैं, अगरबत्ती वगैरह, पर मैं अगरबत्ती ले जाना प्रीफर नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पर लेडीज सब साड़ी पहन के आई रहती हैं। किसी अगरबत्ती से मान लीजिए किसी का साड़ी जल गया है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए मैं अगरबत्ती से दूर रहती हूँ भीड़ भाड़ वाले जगह पर। घर में आप जला सकते हैं, घर में तो कोई नहीं रहता उतना भीड़ भाड़, लेकिन आप बाहर में तो सेफ्टी तो बरतना पड़ता है। यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ भगवान जी को, माता को, और फिर लड्डू हल्का सा लेके बस जस्ट उनके मुँह में सटा देना है। और मैं देख रही थी बहुत कोई जो था पूरा ज़्यादा ज़्यादा लड्डू लगा दे रहे थे माता के मुँह में, तो वो ज़्यादा मतलब कि जितना खिला नहीं रहे थे तो ज़मीन पे गिर रहा था, सिर्फ बस हल्का सा बस मैं टच कर रही थी। ये गणेश जी है, मैं इनको टीका लगा रही हूँ। हमारे में कोई भी पूजा जो होता है सबसे पहले गणेश जी से ही स्टार्ट होता है, तो काफ़ी क्यूट गणेश जी थे, मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डांस चल रहा है, ढोलक बज रहा था उधर, यहाँ पे बंगालीज जो है वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं घेरा बना करके।
तो ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब हर साल होता होगा पर मैं कभी कभार आती थी कभी नहीं आती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी अब जो है वो दुर्गा माँ की विदाई कर रही है, और यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पे सिंदूर खेला हो रहा है, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, देन उसके बाद गाल में भी सिंदूर लगाते हैं, हाथ में भी लगाते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं लगाने वाली हूँ, और मैं तो छोटी हूँ, मतलब आंटी जो लगा रही है उनसे, तो मैंने फिर उनको प्रणाम भी किया। आप लोग देखिएगा वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो गई है। हम लोग तो थोड़ा देर पहले आए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था भीड़ जो है वो और बढ़ते जा रही थी। यहाँ देख सकते हैं सबको एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं और सिंदूर लगा रहे हैं। ये सिर्फ मैरिड लोगों में ही ये चीज़ होता है, मतलब अनमैरिड को सिर्फ टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे वही सब कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा माहौल बन गया था हर जगह। हमने मतलब हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं भूल गई थी कि मम्मी को भी लगाना है टीका, तो मैं वापस आई यहाँ पर। तो उसके बाद पहले मैंने मम्मी को लगाया टीका, देन मम्मी ने मुझे लगाया टीका, उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे हम लोग बिना मतलब खाए गए थे, क्या नॉनवेज बिना खाए गए थे क्योंकि पूजा करना था। नॉनवेज बन चुका था घर में, चिकन बना था, लेकिन हम लोग चिकन यहाँ से जाने के बाद खाए थे क्योंकि पूजा करना था हमें, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे विदाई कैसे होती है दुर्गा माँ, काफ़ी यूनिक तरीके से होती है। दुर्गा जी को ये लोग हाथी पर, मतलब ये जो बांस आपको लंबा सा बांस दिख रहा है ना, इसी को उठा करके लेके जाते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन करते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं, ये लोग सब अपने हाथ में मतलब बांस को कंधे पे लाद करके लेके जाते हैं दुर्गा जी को, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में, आगे बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा माँ की विदाई होने की तैयारी हो चुकी है, और ये लोग ऐसे साथ पांच बार घुमाते हैं कि क्या देख सकते हैं। सभी कोई ने बांस को जो अपने कंधे पे लिया है, और ऐसे ही ये लोग दुर्गा माँ का विसर्जन करते हैं।
चलिए दुर्गा माँ की विदाई तो हो गई, तो दुर्गा माँ को जाते जाते हम सब ने प्रे किया। क्या प्रे किया वो नहीं बता सकते, लेकिन प्रे किया। और कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ कि जो भी बीमारी है, जो भी जानलेवा बीमारी है, वो कभी भी ना आए, जैसे कि कोरोना है ये, वो कभी भी ना आए। सभी कोई हैप्पी रहें, सभी कोई हेल्दी रहें, ये सब मैं हमने प्रे किया। अपने लिए कुछ पर्सनली भी प्रे किया। और यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा माँ आप जा रही हैं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। कोई विश हो तो वो माँ से मांग लीजिए, अच्छी वाली विश। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, दुर्गा पूजा वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दुर्गा पूजा 2021 करके एक मिल जाएगा फोल्डर, उसमें जाइएगा। तो दुर्गा पूजा मैंने जितने भी वीडियो शेयर की थी, अष्टमी नवमी ये विदाई वाला दुर्गा माँ का, ये सारे आपको वीडियोज़ वहाँ एक साथ मिल जाएंगे, जो कि आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा माँ जा रही हैं, तो आप लोग लुत्फ़ उठाइएगा वीडियोस का। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है पर सब्सक्राइब नहीं किया तो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेट इज़ सुनेहास ब्लॉग। ओके ओके, मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में।